लेकिन राजकुमारी दमयंती तो किसी और से प्यार करती थी और वो था चंपा नगर का सबसे बहादुर योद्धा सेनापति वीर। दमयंती और वीर की प्रेम कथा को राहुकाल नाम का ग्रहण लग चुका था और तब सेनापति वीर ने निश्चय किया कि वो राहुकाल को खत्म कर देगा और फिर राहुकाल और वीर के बीच घमासान युद्ध हुआ। राजकुमारी, आपका वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, वो राहुकाल है। राहुकाल मौत से भयभीत होना राजकुमारी दमयंती कायरता समझती है, हम कायर नहीं है। राजकुमारी जी, आपको वहां सूर्यास्त होने से पहले पहुंचना होगा। जानते कि सूर्यास्त के बाद राहु काल की शक्ति पर विजय पाना असंभव है। माया है, भ्रम है प्रेम। काल के नंगे पैर नाचते हैं धरती पर और लग जाता है सब कुछ पर ग्रह जब तुझ पर रहूंगा। आ गई है बेला फैसले की,
सूरज डूब गया है, अंधेरा छा रहा है। दमयंती मेरी है, जनपति वीर सेल से मेरी राहु काल के। और वो आ रही है तुझसे मिलने, पर तेरी मौत का जश्न मनाने, बस कुछ ही पल में। चांद से और पंछी पेड़ से प्यार करते हैं, उसी तरह आपका सैनिक भी आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आपका इंतजार करूंगा, चाहे चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों ना लग जाए, हम मिलेंगे। वादा कीजिए अपने सैनिक से कि आप उसे मिलेंगी राजकुमारी। यह हमारा वादा है तुमसे, एक जन्म तो क्या 100 जन्म भी अगर हमें लेने पड़े, तब भी ये दमयंती तुम्हें पाकर रहेगी। हमारा वादा है तुमसे, वादा। हम मिलेंगे हजार साल बाद सन 1990 में अरमानों का अचार है, जितने भी दूर जाओ दिल से ना पार है, कोलकाता देखो तो बाकी दुनिया बेकार है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सेनापति वीर का पुनर्जन्म हुआ सत्या के रूप में। बस एखाने एखाने बस सत्या, ओ सत्या जल्दी चलो, आमी तुम्हार जोने संदेश एनेछी। संदेश? हैं, चलो चलो जल्दी चलो, एसो एसो एसो।
सेनापति वीर तो जन्म ले चुका था, इंतजार था तो राजकुमारी दमयंती के पुनर्जन्म का। और ये इंतजार केवल वीर को ही नहीं था, इस प्रेम कहानी से किसी और बड़े उद्देश्य को पूरा होना था। जीवन के कई सवालों को सुलझना था। अभी तक समझा नहीं पाई अपने इस बावरे मन को? कैसे समझाऊं माऊ, अपना बच्चा खोया है। हर रोज इंतजार करती हूँ, मेरा बच्चा क्यों नहीं आता? इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है माँ। लेकिन एक बात याद रख, यहां सब कुछ खत्म होके भी खत्म नहीं होता। अभी भी इस दुनिया में कुछ ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनकहे हैं, कुछ ऐसी जिंदगियां हैं जो जी ही नहीं गई, कुछ ऐसे लोग हैं जो समय से पहले ही इस दुनिया से चले गए पर उन्हें उनकी मंजिल नहीं मिल पाई। इसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए वो आएगी, वो जरूर आएगी। कौन आएगी बाबा? आदि से अंत को जोड़ेगी वो, इस जहां से लेकर उस जहां तक पुल बनाएगी। वो देख, आसमान में सितारों की चाल बदल रही है, नक्षत्र आपस में टकरा रहे हैं, आसमान का रंग बदल रहा है। ये सब संकेत हैं इस बात के कि वो आ रही है। हाँ, वो आ रही है। पहुंच गए हम लोग नदी पर पहुंच गए। चिंता मत कर तू, मैं जल्दी से शहर लेकर जाऊंगा तुझे। बिल्कुल मत घबरा, धीरे से रख। अरे माधव, अरे इंद्री, तूफानी रात में कहाँ जा रहा हो माधव? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, इसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। अरे पागल हो गया क्या, इतनी तूफानी रात में? समुद्र का सीना चीर कर मच्छी पकड़ते हैं हम लोग, तूफानों से कैसे डरने लगे? चलो। अस्पताल बंद हो गया है, वैजी गांव छोड़कर भाग गए। ऐसे में ये यहाँ रही ना तो मेरे बच्चे की और इसकी जान को खतरा हो जाएगा। तो क्या अपनी जान को खतरे में डालोगे माधव? बात खतरे की नहीं, बात मेरे होने वाले बच्चे की जान बचाने की है।
पहले भी तीन बच्चे इसके पेट में नहीं रहे, अगर इस बार इसको कुछ कुछ नीच हो गया तो। गंगा भैया तुम्हारी रक्षा करे। गंगा भैया रक्षा करो, चल चल बातों के चल। ये मुझे घाट पर मिली। सिर्फ बच्ची नहीं, ऊपर वाले की अमानत है हमारे पास। हमें इसे बचा कर रखना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। कौन समझ पाया है? जा, इसे उस भगवान के घर रख दे। बाबा, ये किस धर्म की है ये किससे पता? इंसानों में फर्क है माँ, लेकिन भगवान एक ही है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, सबके अंदर वही समाया है। जा, इसे वहां सौंप दे। अमिताभ, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करने से सेहत अच्छी रहती है। बचा लिया। क्या नाम है तुम्हारा? सत्या। मैं अपने मन का इंतजार कर रहा हूं। एक जन्म तो क्या,
100 जन्म भी अगर हमें लेने पड़े तब भी ये दमयंती तुम्हें पाकर रही। Does not love, does not know God. ए सुनो, ये बच्चा तुम्हारा है? अपना बच्चा होता तो क्या ऐसे छोड़ देती? मैंने तो अपने देवू को 1.5 साल पहले ही खो दिया। कौन छोड़ गया इसे और किसका बच्चा है ये? मुझे नहीं पता, कल रात को कोई छोड़ गया, पर बाबा कहते हैं ये सबका भला करेगी, भगवान की बच्ची है ये। माय चाइल्ड, सारे बच्चे भगवान के ही होते हैं। इस बच्चे में जरूर कुछ बात है। आप लोग इसका ख्याल रखेंगे ना? एक और प्रार्थना है, मैंने अपना बच्चा खो दिया है, क्या मैं इसे मिलने यहां आ सकती हूं? शो माय चाइल्ड, आज से तुम और इस चर्च की सारी सिस्टर्स इसकी मां हैं। तुमने इस बच्चे को यहां लाके इसकी रक्षा की है। यू कैन कम हियर एनी टाइम माय चाइल्ड। याद है ना, बाबा ने कहा है कि तू ही मेरे देवू को वापस लाएगी।
one thing I ask of the Lord, that this is what I seek, to dwell in the house of the Lord all days of my life, to gaze upon the beauty of this temple, to seek Him in His temple. Amen. दोनों ने जन्म ले लिया है। छह जन्मों तक इंतजार किया है मैंने उस दमयंती और वीर का, और छह जन्मों से तुम यहीं पर बैठे हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचा के रखा है। जाते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें फिर से इस दुनिया में वापस लाना चाहती हूं। नफरत करती हूं उस प्यार शब्द से, घृणा है मुझे उन ढाई अक्षरों से जिसने मुझसे मेरे भाई को हमेशा के लिए अलग कर दिया। कितना समझाया था मैंने तुम्हें राहुकाल, देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। जो दुनिया के सामने यमराज था, उसे प्यार नाम के जहर ने आज यहां पहुंचा दिया है। जिस दिन सेनापति वीर मरा था, दिन राजकुमारी दमयंती ने यह तय कर लिया था कि वो हमेशा के लिए तुम्हें खत्म कर देगी। इसलिए तो राजगुरु के पास गई थी। उसे कोई नहीं मार सकता, राहुकाल खुद यमराज है। उपाय एक ही है, उसके अलग अलग टुकड़े करके हमेशा के लिए दफना दिया जाए। लेकिन उसके टुकड़े करेगा कौन? राहुकाल की कमजोरी राजकुमारी दमयंती है। राजकुमारी दमयंती के खून से धोए हुए हथियार उसके टुकड़े कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम राजकुमारी दमयंती को गुरुजी। हम करेंगे, राहुकाल का वध अवश्य अवश्य। तुम समझते रहे कि एक दिन वो तुम्हारे प्यार के आगे घुटने टेक देगी। उस दिन मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर उसने प्यार का सुनहरा जाल फैलाया और तुम उसमें फंस गए।
8 बजे बंद जाएगा निर्मल आकाश सोने की चार दीवारी में। क्या होगा जब वैराग्य और योग की जन्मभूमि बन जाएगी माया की स्वर्ण नगरी। महादेव का महा एपिसोड 24 फरवरी रात 8 बजे लाइव ओके पर। कोई परेशानी हो आपको अलका जी मुझे बताइएगा। सुनो मेरा हाथ, अगर मेरा पीछा किया ना तो ऑफिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूं।